बड़हलगंज पुलिस द्वारा ट्रक से सेल टैक्स अधिकारी बनकर सुपारी लूटने वाले दो शातिर अभियुक्तों को बड़हलगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में वीरेंद्र यादव पुत्र छेदी लाल यादव निवासी बिजुलियाडी थाना कोतवाली जनपद अयोध्या तथा अशोक शर्मा पुत्र सहदेव शर्मा निवासी किशुनदासपुर थाना कोतवाली जनपद अयोध्या शामिल है। इसके पास से पुलिस ने लूट की जूट की 200 बोरी में लगभग 16 टन सुपारी बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 48 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा एक ट्रक तिरपाल व रस्सा बरामद किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शिव बोला आ रहे हैं क्या? देखो थाना बड़हलगंज में पिछले 27 मार्च को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था ट्रक लूट का। उसके संबंध में एक ट्रक का माल पहले बरामद हो गया था, दूसरे ट्रक का माल जो था उसके संबंध में स्वाट टीम यहाँ का क्राइम ब्रांच गोरखपुर का और बड़हलगंज पुलिस लगी हुई थी। इनको मुखबिर से कुछ सूचना प्राप्त हुई थी तो ये अयोध्या में इनको इसका लोकेशन मिल रहा था, कुछ इस तरह का माल कहीं रखा हुआ है। तो किशनदासपुर एक जगह है, वहाँ पे उसी के पास इन्होंने एक मुखबिरी से माल बरामद किया है। 200 बोरी माल बरामद हुआ है, तो लगभग ये 16 टन माल है और इसकी बाजार की कीमत जो है 48 लाख रुपए करीब है। इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक अभियुक्त मौके का फ़ायदा उठा कर वहाँ से भाग गया है। जो गिरफ्तार हुआ है उसमें वीरेंद्र यादव और अशोक शर्मा हैं और एक जो भागा है वो वहाँ का पूर्व प्रधान है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है उसका और वो लूट के मामले में वो जेल जा चुका है। अभी तो आपके सामने देख रहे हैं दो ये गिरफ्तारी हुई है और इसके पहले भी दो गिरफ्तारी हुई थी और इस गैंग में भी बहुत लोग हैं। इस अभी तो तीन नाम प्रकाश में आए हैं जिनके हम लोग काम कर रहे हैं जिन पे, और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। माल बरामद हुआ अभी तक? माल 32 टन माल बरामद हो चुका है और जो शेष माल है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, वो भी कहीं इसी तरह कहीं स्टोर करके रखा होगा जिसे हम लोग बरामद करें। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जो पूर्व प्रधान है जो इसमें लिप्त रहा है उसका आपराधिक इतिहास था, वो सजायाफ्ता भी है, लूट के मामले में वो सजायाफ्ता हो गए।